तो आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे देखकर आपको बड़ी खुशी होगी कि आज कांस्टेबल के लिए 1.05 लाख की पसंद जयपुर कमिश्नरेट। कहने का मतलब ये है कि जिला वाइज कितने फॉर्म लगे इसके बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स ने, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर थे, दोस्त थे यूट्यूब के, उन्होंने कमेंट बॉक्स में यही पूछा था कि सर ये बताइए कि जिला वाइज कितने फॉर्म लगे हैं। तो कई लोगों ने तो पहले ही जिला वाइज घोषणा कर दी थी इतने फॉर्म लगे हैं, लेकिन वो सब कुछ फर्जी था। और हम इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी फर्जी न्यूज़ नहीं देते हैं, चाहे 2 दिन बाद में ही दें। तो ये एकदम पक्की न्यूज़ है और दैनिक भास्कर में आई है, जिसे आप भी खुद देख सकते हैं कि जिला वाइज कितने फॉर्म लगे हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, वो इस प्रकार है। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब के साथ घंटी का चिन्ह, बेल आइकन उसे भी दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन और अपडेट राजस्थान पुलिस से रिलेटेड और सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सबसे पहले और आसानी से प्राप्त हो सकें। तो इस प्रकार है पूरी जानकारी। कांस्टेबल की भर्ती में दूसरी प्राथमिकता कोटा को, जिसे 15 लाख आवेदकों में से 90,000 ने चुना। पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल के 13,195 पदों की भर्ती के लिए आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद अब ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के 15 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया है और आवेदकों की पड़ताल में सामने आया कि कांस्टेबल बनने के लिए सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जयपुर कमिश्नरेट को प्राथमिकता दी है और जयपुर कमिश्नरेट के लिए प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1,05,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि कोटा शहर में 90,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अजमेर ज़िले से 79,000, कोटा ग्रामीण के लिए 56,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने 5,153 पदों के लिए जो मार्च में आयोजित की ऑनलाइन परीक्षा थी उसको नकल प्रकरण सामने आने के बाद निरस्त कर दिया था। और उसके बाद पुलिस ने मुख्यालय में 13,000 से ज़्यादा कांस्टेबल पदों के लिए भर्तियां निकाली और पिछली बार करीब 16 लाख आवेदन आए थे और अब की बार 15 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया है। पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14 जुलाई से शुरू करने की तैयारी में है। तो जो डेट हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था 14 और 15 जुलाई, लगभग वही रहेगी। और पूरी जानकारी जिला स्तर पर आवेदन इस प्रकार हैं। सबसे पहले जैसे बूंदी की बात करें, बूंदी जिला में 20,000 आवेदन आए हैं। बारा जिला में 27,750 आवेदन आए हैं। झालावाड़ में 32,230 आवेदन आए हैं तथा बीकानेर में 52,590, चूरू में 19,201 और गंगानगर में 21,312, हनुमानगढ़ में 18,932, GRP अजमेर 29,289, GRP जोधपुर 17,315, प्रथम बटालियन जोधपुर 11,431, द्वितीय बटालियन कोटा 30,312, द्वितीय बटालियन बीकानेर 26,210, चतुर्थ बटालियन जयपुर 19,111, पाँचवीं बटालियन जयपुर 16,215, छठी बटालियन धौलपुर 17,352, सातवीं बटालियन भरतपुर 17,801, आठवीं बटालियन दिल्ली 11,472, नवीं बटालियन टोंक 9,144, दसवीं बटालियन बीकानेर 17,301, ग्यारहवीं बटालियन दिल्ली 11,121, बारहवीं बटालियन दिल्ली 7,332, तेरहवीं बटालियन जयपुर 14,415 और हाड़ी रानी बटालियन 17,289 आवेदन आए हैं। और जयपुर ग्रामीण में 39,200 फॉर्म तथा दौसा 26,490, सीकर 21,120, झुंझुनू 21,490, अलवर 29,102, भरतपुर 32,210, सवाईमाधोपुर 36,415, करौली 28,410, धौलपुर 27,401, अजमेर 79,529, नागौर 33,111, भीलवाड़ा 51,290, टोंक 24,010, उदयपुर NTPS 48,900, चित्तौड़गढ़ 42,210, जोधपुर कमिश्नरेट
46,315, राजसमंद 37,200, जोधपुर ग्रामीण 21,592, बाड़मेर 27,250, जैसलमेर 29,305 तथा जालौर में 27,512, पाली 31,200, सिरोही NTPS 18,937, कोटा शहर 90,412 और कोटा ग्रामीण में 56,429 पदों के लिए 29 आवेदनाएँ हैं। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा कांस्टेबल के लिए आवेदन जयपुर कमिश्नरेट से आए हैं। और ये थी पूरी जिला वाइज सूचना, इसे आप भी दैनिक भास्कर में देख सकते हैं, आज ही के न्यूज़पेपर में आई है, 20 जून 2018 के न्यूज़पेपर में जो आई है ये पूरी सूचना इस प्रकार थी। और अभी भी अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले और आसानी से प्राप्त हो सकें। और आप इसे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इसकी जानकारी अच्छे से मिल सके। थैंक्स।